रैन बसेरे का किया निरीक्षण, शौचालयों की व्यवस्था बदहाल व चिंताजनक। जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास के निर्देशानुसार विधिक सेवा समिति के PLV सूरज भान कछवाहा व PLV गुलाब शर्मा के द्वारा रविवार को कस्बे के बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। कस्बे में नगर पालिका की ओर से रैन बसेरा संचालित है। इनमें सर्दी से बचने सहित महिलाओं एवं बच्चों के मनोरंजन और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में जरूरतमंद, बेसहारा व निर्धन लोग इन सेवाओं के उपयोग से महरूम हैं। खासकर महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। रैन बसेरे में 15 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था है, पर मात्र 2 ही व्यक्ति ठहरे हुए पाए गए। 3 व्यक्ति इंदिरा रसोई में कार्य करने वाले ठहरे हुए पाए गए। रैन बसेरे के शौचालयों की व्यवस्था दयनीय पाई गई, जिनमें काफी लंबे समय से सफाई होना नहीं पाया गया। शौचालय गंदगी से अटे हुए मिले, जबकि पूर्व में अपर जिला एवं सैन्य न्यायाधीश व अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास प्रशांत चौधरी के द्वारा निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके रैन बसेरे के शौचालयों की बदहाली ज्यों की त्यों बनी हुई है। शौचालय ऐसी हालत में पाए गए कि बदबू की वजह से वहां रुकना दूभर हो गया था। रैन बसेरे में कीटनाशक दवाई नहीं पाई गई, अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगे थे। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरे में 15 रजाई गद्दे, तकिया आदि पाए गए। PLV सूरज भान कछवाहा व गुलाब शर्मा के द्वारा वहां उपस्थित लोगों को श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमिक योजनाओं व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में निःशुल्क विधिक सलाह प्रदान की गई।